दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो आपका दिल दहला देगी, ये वीडियो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिन लोगों को हम लोग अपने वोट की ताकत से चुनाव जिताकर उनकी सरकार बनाते हैं, जिनको हम लोग करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में देते हैं और वो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं लोगों को किस तरीके से सड़क पर, रोड पर लिटाकर, जमीन पर लिटाकर, रस्सियों के साथ में ग्लूकोज की बोतलें बांधकर उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इस तरह की व्यवस्था अगर आम आदमी के लिए होगी तो ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर जहाँ करोड़ों रुपए लोग टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, वहाँ आज भी ये हालात हैं। ये बड़े ही अपने आप को शर्मसार करने वाली बात है। दोस्तों दरअसल में हुआ क्या कि महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोग्राम था जहाँ काफ़ी लोगों ने शिरकत की, जिसके अंदर खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग उल्टियाँ करने लगे। उसके बाद आनंद फानन में सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु अस्पताल के हालात ये थे कि वहाँ पर लोगों के लिए बेड ही उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद लोगों को जमीन पर लिटाकर, उनको ग्लूकोज चढ़ाकर उनका इलाज किया गया। तो दोस्तों बड़ी हैरानी वाली बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल हमारे यहाँ हैं और करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल, प्राइवेट हो या सरकारी हो, दुनिया भर के अस्पताल हमारे यहाँ पे हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी को इस तरीके से मजबूरी में इस तरीके से इलाज कराना पड़ता है। दोस्तों बड़ी ही सोचने वाली और गंभीर बात है। दोस्तों बड़ी हैरानी वाली बात है जहाँ हमारे देश के बड़े बड़े नेता हमारे देश को 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातें करते हैं और वहाँ आज भी हमारे देश के अंदर गरीब लोगों के साथ इस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही है, इस तरह का व्यवहार लोगों के साथ होता है। अस्पतालों के अंदर बेड तक उपलब्ध नहीं है और प्रॉपर इलाज तो उनका क्या ही होगा जो बेड ही उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमारे साथ हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो से जुड़ी, इस खबर से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।